नमस्कार, उत्तराखंड समाचार में आपका स्वागत है। मैं नूतन वरुण। सबसे पहले मुख्य समाचार। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने मसूरी के एलबीएस अकादमी के सिविल सर्विस प्रशिक्षुओं को वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए किया संबोधित। लोगों से जुड़ने और जिम्मेदार बनने को कहा। गुजरात में की देश के पहले सी प्लेन की शुरुआत। लौह पुरुष सरदार वल्लभ भाई पटेल की 145वीं जयंती पर राज्य भर में श्रद्धांजलि सभा का आयोजन। राष्ट्रीय एकता दिवस पर देहरादून के पुलिस लाइन में हुआ रैतिक परेड। मुख्यमंत्री त्रिवेंद्र सिंह रावत ने कहा, सरदार पटेल ने समाज के हर वर्ग के विकास के लिए किए प्रयास। उत्तराखंड की एक राज्यसभा सीट के लिए नामांकन पत्र के जांच की प्रक्रिया पूरी। एकमात्र नामांकन भाजपा प्रत्याशी नरेश बंसल की तरफ से किया गया है दाखिल। और चमोली में विश्व प्रसिद्ध फूलों की घाटी शीतकाल के दौरान पर्यटकों के लिए आज दोपहर की गई बंद। कोरोना संक्रमण के चलते इस बार पर्यटकों की संख्या रही बेहद कम। अब समाचार विस्तार से। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आज वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए मसूरी स्थित लाल बहादुर शास्त्री राष्ट्रीय प्रशासनिक अकादमी में सिविल सेवा के 428 प्रशिक्षुओं को संबोधित किया। ये अधिकारी इस समय अकादमी में 95वें फाउंडेशन पाठ्यक्रम के तहत चलाए जा रहे आरंभ 2020 में भाग ले रहे हैं। प्रधानमंत्री ने अपने संबोधन में सरदार पटेल को देश की सिविल सेवा का जनक बताया। उन्होंने कहा कि सरदार पटेल ने सिविल सेवा के अधिकारियों को देश का स्टील फ्रेम कहा था। स्टील फ्रेम का काम देश को आधार देना और चली आ रही व्यवस्थाओं को आगे बढ़ाना ही नहीं होता, बल्कि बड़े से बड़े संकट और बदलाव में ताकत बनकर देश को आगे बढ़ाने में सहयोग करना भी होता है। स्टील फ्रेम का काम सिर्फ आधार देना, सिर्फ चली आ रही व्यवस्थाओं को संभालना ही नहीं होता है। स्टील फ्रेम का काम देश को यह एहसास दिलाना भी होता है कि बड़े से बड़ा संकट हो या फिर बड़े से बड़े बदलाव, आप एक ताकत बनकर देश को आगे बढ़ाने में अपना दायित्व निभाएंगे। आप एक फैसिलिटेटर की तरह सफलतापूर्वक अपने दायित्वों को पूरा करेंगे। प्रधानमंत्री ने कहा कि लोकतंत्र में जनता जनार्दन ही असली ड्राइविंग फोर्स है, इसलिए गवर्नमेंट से गवर्नेंस की तरफ बढ़ने की जरूरत है। सरकार शीर्ष से नहीं चलती है। नीतियां जिस जनता के लिए हैं उनका समावेश बहुत जरूरी है। जनता केवल सरकार की नीतियों की, प्रोग्राम्स की रिसीवर नहीं है। जनता जनार्दन ही असली ड्राइविंग फोर्स है। इसलिए हमें गवर्नमेंट से गवर्नेंस की तरफ बढ़ने की जरूरत है। प्रधानमंत्री ने कहा कि बीते 2-3 सालों में ही सिविल सर्वेंट की ट्रेनिंग का स्वरूप बदला है। देश में मानव संसाधन के आधुनिक प्रशिक्षण की आवश्यकता है। देश में नए परिवर्तन के लिए, नए लक्ष्यों की प्राप्ति के लिए नए मार्ग और नए तौर तरीके अपनाने के लिए बहुत बड़ी भूमिका ट्रेनिंग की होती है, स्किल सेट के डेवलपमेंट की होती है। देश में ह्यूमन रिसोर्स की सही और आधुनिक ट्रेनिंग पर भी बहुत जोर दिया जा रहा है। आपने खुद भी देखा है कि कैसे बीते 2-3 वर्षों में ही सिविल सर्वेंट्स की ट्रेनिंग का स्वरूप बहुत बदल गया है। मिशन कर्मयोगी कैपेसिटी बिल्डिंग की दिशा में अपनी तरह का एक नया प्रयोग है। इस बीच प्रधानमंत्री ने देश की पहली सी प्लेन सेवा की शुरुआत की। ये सेवा केवड़िया में स्टैच्यू ऑफ यूनिटी को अहमदाबाद में साबरमती रिवर फ्रंट से जोड़ेगी। उन्होंने इससे पहले केवड़िया में स्टैच्यू ऑफ यूनिटी के नजदीक वाटर एरोड्रोम का उद्घाटन किया और केवड़िया से अहमदाबाद में साबरमती रिवर फ्रंट तक सी प्लेन में पहली उड़ान भी भरी।
राष्ट्रीय एकता दिवस के अवसर पर देहरादून के पुलिस लाइन में आज रैतिक परेड का आयोजन किया गया। मुख्य अतिथि के रूप में मुख्यमंत्री त्रिवेंद्र सिंह रावत ने परेड की सलामी ली। पुलिस महानिदेशक अनिल रतूड़ी और महानिदेशक कानून व्यवस्था अशोक कुमार भी कार्यक्रम में मौजूद रहे। मुख्यमंत्री ने कहा कि सरदार वल्लभ भाई पटेल ने समाज के हर वर्ग के विकास के लिए एक समान प्रयास किए। मुख्यमंत्री ने सभी मौजूद लोगों को राष्ट्रीय एकता की शपथ दिलाई। देखिए, आज सरदार वल्लभ भाई पटेल जी की जन्म जयंती है। पहले हम उनको श्रद्धापूर्वक याद करते हैं, स्मरण करते हैं। और सरदार वल्लभ भाई पटेल ये देश की एकता और अखंडता के लिए, उनके याद को हम स्मरण करते हैं, उसको चिरस्थायी बनाना चाहते हैं। क्योंकि किसी भी देश को अगर एक रहना है, एक रखना है, तो ऐसे महापुरुषों का संदेश और उनका जो योगदान है उसको हम याद करते हैं। मुख्यमंत्री त्रिवेंद्र सिंह रावत ने चमोली के पोखरी थाना को सर्वश्रेष्ठ थाना चुने जाने पर ट्रॉफी और 1,00,000 रुपए का चेक देकर सम्मानित किया। सराहनीय कार्य करने वाले पुलिसकर्मियों को भी सम्मानित किया गया। इस मौके पर डीजीपी अनिल कुमार रतूड़ी ने सरदार पटेल को याद करते हुए कहा कि उन्होंने देश को एक सूत्र में पिरोने का कार्य किया। भारत के हुए सरदार वल्लभ भाई पटेल जी, जो लौह पुरुष के नाम से भी जाने जाते हैं, भारत की जो पुलिस व्यवस्था है उसमें उनका विशेष योगदान है, उसको देखते हुए और भारत की अखंडता, एकता, यूनिटी के लिए आज उनको याद किया जाता है। आज उनका जन्मदिवस है, उस अवसर पर एक रैतिक परेड का आयोजन हुआ, जो आपने देखी, बहुत शानदार परेड हमारे जवानों ने प्रस्तुत करी। मैं इस अवसर पर श्री पटेल जी के जन्मदिवस पर उनको श्रद्धा सुमन करता हूं। लौह पुरुष सरदार वल्लभ भाई पटेल की 145वीं जयंती पर राज्य भर में कार्यक्रम आयोजित किए गए। ये दिन राष्ट्रीय एकता दिवस के रूप में भी मनाया जाता है। देहरादून विधान भवन में सरदार पटेल और महर्षि वाल्मीकि को उनकी जयंती पर श्रद्धांजलि अर्पित की गई। विधानसभा अध्यक्ष प्रेमचंद अग्रवाल ने कहा कि सभी के दिलों में श्रेष्ठ भारत के निर्माण की भावना होनी चाहिए। देखिए, राष्ट्रीय एकता दिवस के रूप में मनाया जाने वाला आज का दिन हमारे लिए और भी महत्वपूर्ण जब हो जाता है कि ऐसे में महर्षि वाल्मीकि भगवान की भी जयंती है। निश्चित रूप से दो महापुरुष कहें या हमारे, तो महर्षि वाल्मीकि को तो हम भगवान के रूप में भी मानते हैं, क्योंकि उन्होंने जिस प्रकार से अपना अतीत को छोड़ते हुए और अपने जीवन शैली को बदलते हुए भगवान श्री राम की रामायण की रचना उनके द्वारा की गई। चमोली में जिलाधिकारी स्वाति एस भदौरिया ने कलेक्ट्रेट परिसर में सभी अधिकारियों और कर्मचारियों को राष्ट्र की एकता के लिए शपथ दिलाई। उन्होंने सभी से विकास को लक्ष्य बनाकर ईमानदारी और टीम भावना के साथ कार्य करने पर जोर दिया। उत्तराखंड की एक राज्यसभा सीट के लिए नामांकन पत्र के जांच की प्रक्रिया पूरी हो चुकी है। एकमात्र नामांकन भाजपा प्रत्याशी नरेश बंसल की तरफ से दाखिल किया गया है। राज्यसभा चुनाव के निर्वाचन अधिकारी मुकेश सिंघल ने बताया कि नामांकन पत्र जांच में पूरी तरह सही पाए गए हैं। निर्वाचन प्रक्रिया के अनुसार 2 नवम्बर को 3 बजे तक नाम वापस लिए जा सकते हैं। 28 तारीख को नाम निर्देशन पत्रों की समीक्षा हुई थी, स्क्रूटनी हुई थी, और उसमें श्री नरेश बंसल जी का जो नामांकन था वो सही पाया गया, वैध पाया गया। और 2 तारीख नामांकन वापसी की अंतिम तिथि है, 3 बजे तक। उसके बाद यथास्थिति माननीय चुनाव आयोग से परमिशन के बाद प्रमाण पत्र या चुनाव के परिणाम की घोषणा हो सकेगी। मुख्यमंत्री त्रिवेंद्र सिंह रावत ने शुक्रवार को डोईवाला क्षेत्र की विभिन्न विकास योजनाओं की प्रगति का जायजा लिया। मुख्यमंत्री ने यहां बनने वाले तहसील भवन और डिग्री कॉलेज परिसर में निर्माणाधीन गर्ल्स हॉस्टल का निरीक्षण किया। उन्होंने गुणवत्ता का ध्यान रखते हुए इन्हें पर्वतीय शैली में निर्मित करने को कहा। साथ ही 4 करोड़ की लागत से निर्मित होने वाले तहसील भवन को ग्रीन बिल्डिंग के रूप में भी विकसित करने के निर्देश दिए। मुख्यमंत्री ने लच्छीवाला नेचर पार्क में चल रहे विकास कार्यों का भी निरीक्षण किया। उन्होंने कहा कि पार्क के सौंदर्यीकरण समेत अन्य व्यवस्थाओं के लिए 5 करोड़ रुपए की धनराशि दी गई है। तहसील तो बन गई थी, लेकिन तहसील टेम्पररी सेट्स में चल रही थी।
अब तहसील भवन यहाँ पर बनने जा रहा है, उसका काम चालू हो गया है। ऐसे ही ये जो लच्छी वाला हमारा नेचुरल पार्क है, ये इस पार्क को और आकर्षक और विकसित करने के लिए एक 5 करोड़ के लगभग की योजना इसके लिए स्वीकार की। और मैं समझता हूँ कि लच्छी वाला जो हमारा ये डेस्टिनेशन है, एक अपने आप में अद्भुत होगा। ये प्राकृतिक जो यहाँ पर उपलब्धता है, जो नेचुरल ब्यूटी जो यहाँ पर है, सुंदरता को, इस वन की खूबसूरती को, यहाँ पर जो पानी है उसकी उपलब्धता को, और जो बुजुर्ग लोग हैं यानी कि परिवार के साथ भी आकर लोग यहाँ पर 2-4-5 घंटे अपने रहें। डोईवाला में सूर्यधार झील का निर्माण अपने अंतिम चरण में है। मुख्यमंत्री ने कहा कि इसके पूरा होने के बाद स्थानीय लोगों की पीने के पानी और सिंचाई से जुड़ी समस्याएं दूर होंगी। मुख्यमंत्री ने कहा कि डोईवाला के रानी पोखरी न्याय पंचायत के 11 गांवों में बुनियादी ढांचे से जुड़ी सुविधाओं के लिए 1.3 करोड़ रूपये खर्च किए जा रहे हैं। विश्व प्रसिद्ध फूलों की घाटी शीतकाल में पर्यटकों के लिए आज दोपहर बंद कर दी गई। लॉकडाउन के चलते इस बार 1 अगस्त को फूलों की घाटी पर्यटकों के लिए खोली गई, लेकिन कोरोना संक्रमण की वजह से पर्यटकों की संख्या बेहद कम रही। चमोली के जिला पर्यटन अधिकारी ब्रिजेंद्र पांडे बताते हैं कि पिछले वर्ष यहां करीब 17,000 पर्यटक आए थे, जबकि इस बार मात्र 950 पर्यटक ही घाटी पहुंचे। 2020 की बात करें तो आज 31 अक्टूबर को जो है जो वैली ऑफ फ्लावर है पर्यटकों के लिए बंद कर दी गई है, या शीतकाल में बंद रहेगी और अगले साल पुनः खोली जाएगी। अगर इनकम की बात करें तो नंदा देवी राष्ट्रीय वन प्रभाग से जो आंकड़े प्राप्त हुए हैं उसके अंतर्गत लगभग 1,40,000 रुपये की आय इस वर्ष हुई है, और लगभग इस वर्ष 950 पर्यटकों ने वैली के दीदार किए हैं। समुद्र तल से करीब 13,000 फीट की ऊंचाई पर बसी ये जगह रंग बिरंगे फूलों के कारण पूरी दुनिया में मशहूर है। वर्ष 2004 में यूनेस्को ने फूलों की घाटी को विश्व धरोहर घोषित किया था। रुड़की नगर निगम ने कोरोना के प्रति लोगों को जागरूक करने के लिए एक अनोखा तरीका अपनाया है। कोरोना से बचाव की जागरूकता बढ़ाने के लिए शहर में फिल्मी डायलॉग से जुड़े होर्डिंग्स लगाए गए हैं। वाहनों के जरिए भी बाजारों में सतर्क रहने की घोषणा कराई जा रही है। रुड़की नगर निगम के सहायक नगर अधिकारी चंद्रकांत भट्ट का कहना है कि त्योहारों के चलते बाजारों में भीड़ बढ़ रही है, जिसे देखते हुए फिल्मी डायलॉग के सहारे लोगों को सावधान किया जा रहा है। जो फिल्म डॉन का डायलॉग था कि 11 अंकों की पुलिस जिसे नहीं पकड़ पा रही है, तो अमिताभ बच्चन जी को क्योंकि अभी बीच में कोविड पॉजिटिव हुए थे, आज तो हम फोन पे उनकी रिंगटोन में सुनते हैं, वो सबको जागरूक कर रहे हैं। तो हमने उसी को एक आइडिया बनाया कि जिनको 11 अंकों की पुलिस नहीं पकड़ पाई तो उन्हें जो है कोविड ने पकड़ लिया। तो जब वो इतने ज्यादा सेफ जोन में रहने के बाद उनके साथ भी यदि कोविड पॉजिटिव की स्थिति हो सकती है तो वो किसी को भी हो सकती है। तो कोई भी इतना ज्यादा अपने आप को ओवर कॉन्फिडेंस होकर के ऐसा ना करे कि वो लापरवाही बरते, क्योंकि कोविड अभी खत्म नहीं हुआ है, केवल उसका एक दौर होता है, कभी हल्का और कभी तेज। उत्तराखंड के समाचारों में बस इतना ही। चलते चलते मुख्य समाचार एक बार फिर। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने मसूरी के LBS अकादमी के सिविल सर्विस प्रशिक्षुओं को वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए किया संबोधित। लोगों से जुड़ने और जिम्मेदार बनने को कहा। गुजरात में की देश के पहले सी प्लेन की शुरुआत। लौह पुरुष सरदार वल्लभ भाई पटेल की 145वीं जयंती पर राज्य भर में श्रद्धांजलि सभा का आयोजन। राष्ट्रीय एकता दिवस पर देहरादून के पुलिस लाइन में हुआ रैत परेड। मुख्यमंत्री त्रिवेंद्र सिंह रावत ने कहा, सरदार पटेल ने समाज के हर वर्ग के विकास के लिए किए प्रयास। उत्तराखंड की एक राज्यसभा सीट के लिए नामांकन पत्र के जांच की प्रक्रिया पूरी। एकमात्र नामांकन भाजपा प्रत्याशी नरेश बंसल की तरफ से किया गया है दाखिल। और चमोली में विश्व प्रसिद्ध फूलों की घाटी शीतकाल के दौरान पर्यटकों के लिए आज दोपहर की गई बंद। कोरोना संक्रमण के चलते इस बार पर्यटकों की संख्या रही बेहद कम। उत्तराखंड की खबरों के लिए आप हमसे सोशल मीडिया पर भी जुड़ सकते हैं। हमारा ट्विटर हैंडल है DDNews_देहरादून, हमारा फेसबुक पेज है DDNews उत्तराखंड, और हमारे यूट्यूब चैनल DDNews उत्तराखंड को भी आप सब्सक्राइब कर सकते हैं।
कोरोना संक्रमण से बचने के लिए मास्क का अनिवार्य रूप से और सही ढंग से इस्तेमाल करें, साथ ही सामाजिक दूरी का ख्याल रखें, नियमित रूप से हाथ धोएं और याद रखें कोरोना को हराना है मास्क जरूर लगाना है। इसी के साथ मुझे दीजिए अनुमति, नमस्कार।